हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं तो डेटा अडेप्टेशंस में स्केल्स ऑफ फिशेस। फिशेस के स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो फिशेस के स्केल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, प्लेकोइड स्केल, कॉस्मोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, गैनोइड स्केल, टीनोइड स्केल, ये क्या है, इनका डिस्क्रिप्शन, डायग्राम्स, इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं अपन स्केल्स ऑफ फिशेस। जो फिश के स्केल होते हैं वो स्मॉल रिजिड प्लेट की जैसे होते हैं, राइट। और ये जो फिश होती है उसकी स्किन के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उसके ऊपर निकले हुए रहते हैं। ये जो स्केल होते हैं फिशेस में, ये कॉम्बिफ्लेज प्रोवाइड करते हैं। कॉम्बिफ्लेज का मतलब होता है एक भ्रम पैदा करते हैं। कैसे? रिफ्लेक्शन एंड कलरेशन के द्वारा एक भ्रम पैदा करते हैं, एज वेल एज हाइड्रोडायनेमिक एडवांटेजेस भी इसके होते हैं फिशेस के। फिशेस के क्या क्या कार्य हैं वो अपन लास्ट में देखेंगे, पहले इसका थोड़ा नॉर्मली इंट्रो देख लेते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन स्केल्स को आप दो भागों में बांट सकते हैं। स्केल्स को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? एक तो आपके एपिडर्मल स्केल्स, दूसरे होते हैं डर्मल स्केल्स। अब जो एपिडर्मिस से बने एपिडर्मल स्केल और डर्मिस से बनने वाले डर्मल स्केल कहलाते हैं। जो फिशेज होती है, जो मछलियां होती है, वो जनरली डर्मल स्केल्स ही रखती हैं, ठीक है। यानी फिशेज में ओनली डर्मल स्केल्स ही पाए जाते हैं, डर्मल स्केल्स, ओके। कुछ ऐसी मछलियां हैं, एक दो एक्सेप्शन हैं, जिनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो है आपकी इलेक्ट्रिक रे एंड केटफिश हैव नो स्केल्स, इनमें कोई स्केल्स नहीं पाया जाता है। जो स्केल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना, राइट। अब हम देखने वाले हैं स्केल्स के टाइप, कितने टाइप के आप स्केल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्केल्स, राइट। यहां से शुरू होता है अपना लेक्चर। टाइप्स ऑफ स्केल्स में पांच टाइप के आप स्केल्स पढ़ेंगे। पहला प्लेकोइड, सेकंड है गैनोइड, थर्ड है टीनोइड, फोर्थ है साइक्लोइड एंड फिफ्थ है कॉस्मोइड। इनमें से जो चार स्केल्स हैं ऊपर वाले, ये चारों प्लेकोइड, गैनोइड, टीनोइड एंड साइक्लोइड, ये हैं लिविंग फिशेज में पाए जाने वाले स्केल्स, राइट। और जो कॉस्मोइड स्केल है, ये बहुत प्रिमेटिव स्केल है, ध्यान रखना, जो कॉस्मोइड है बहुत प्रिमेटिव स्केल है, बहुत पुराने समय में, प्राचीन समय में पाया जाता था मछलियों में। अब वो मछलियां नहीं है तो ये भी नहीं पाया जाता है, ओके। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि जो आपकी बोनी फिशेज होती हैं, जनरली बोनी फिशेज में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है कि स्केल्स होते हैं तो इनमें बोनी प्लेट्स होती है। तो जो बोनी प्लेट्स होती हैं, पहले इनकी लेयर्स को अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको स्केल्स के बारे में समझाया जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। तो जो बोनी प्लेट्स होती हैं वो चार प्रकार की लेयर्स से ड्राइव्ड होती है। एक होती है आइसोपीडाइन लेयर, सेकंड होती है स्पॉन्जी बोनी लेयर, थर्ड होती है कॉस्माइन लेयर एंड फोर्थ होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर, राइट। अब देखो, जो आपकी पहली अपन पढ़ने वाले हैं आइसोपीडाइन लेयर। जो आइसोपीडाइन लेयर है वो सबसे डीपेस्ट लेयर है, ये कंपैक्ट लेयर होती है। जैसे एक बोन कंपैक्ट है, उसी प्रकार से ये भी एक कंपैक्ट लेयर होती है, राइट। स्पॉन्जी बोनी लेयर सेकंड लेयर है आपकी, स्पॉन्जी बोनी लेयर। जो स्पॉन्जी बोनी लेयर है वो बहुत सारे वेस्कुलर स्पेसेस रखती है, राइट। स्पॉन्जी नेम से ही आपको क्लियर होगा, एक स्पंज जैसी होगी, स्पॉन्जी होगी, तो इसमें बहुत सारे वेस्कुलर स्पेसेस पाए जाते हैं अंदर, राइट। थर्ड है आपकी कॉस्माइन लेयर। जो कॉस्माइन लेयर है वो डेंटाइन लाइक हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है, जिसे आप कॉस्माइन बोलते हैं, राइट। जो डेंटाइन लाइक हार्ड मटेरियल होता है उसे आप कॉस्माइन बोलते हैं। जो कॉस्माइन लेयर है वो बहुत ही जो हार्ड मटेरियल है डेंटाइन,
उससे बनी होती है, राइट। एक हार्ड मटेरियल होता है, बहुत हार्ड तो क्या, हार्ड मटेरियल, राइट। लास्ट है, फोर्थ है आपकी आउटर मोस्ट लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ड इनेमल लाइक सब्सटेंस। ये सब इनेमल के जैसा हार्ड सब्सटेंस से बनी होती है आउटर मोस्ट लेयर, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो इनेमल, इनेमल बहुत टफ, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, राइट। एंड जो कोस्माइन है वो डेंटाइन लाइक सब्सटेंस से बनी होती है, जिसे कोस्माइन बोलते हैं, राइट, कोस्मिन। थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो इनमें टाइप्स ऑफ स्केल में पहला आता है आपके पास कॉस्मोइड स्केल। कॉस्मोइड स्केल क्या है? ये जो कॉस्मोइड स्केल है ये बहुत प्रिमेटिव मेंबर्स में पाया जाता है। कॉस्मोइड स्केल मछलियों के बहुत प्रिमेटिव मेंबर्स में पाया जाता है। जो कॉस्मोइड स्केल्स हैं ये सब क्लास सर्कटोपर्गी, जो लेटिमेरिया की एग्जांपल है इसका, उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है कॉस्मोइड स्केल्स, इसका डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में देखिए आप, कॉस्मोइड स्केल में ऊपर है आपकी एक एपिडर्मिस, राइट, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है विट्रोडेंटाइन, राइट। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है? विट्रोडेंटाइन। विट्रोडेंटाइन के नीचे है कॉस्माइन लेयर, राइट। ये देखिए, ये टफ सी है कुछ, ये कॉस्माइन लेयर है। और कॉस्माइन लेयर के नीचे आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको पल्प कैविटी सी मिलेगी, दिखेगी, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये पल्प कैविटी है, ये पल्प कैविटी है, ठीक है। पल्प कैविटी के पास पास आपको कुछ वेस्कुलर लेयर्स दिखेंगी, तो ये हैं आपकी वेस्कुलर लेयर्स कुछ, राइट। तो ये बन गई आपकी वेस्कुलर लेयर। और वेस्कुलर लेयर से नीचे आप देखेंगे तो आपको आइसोपिडाइन दिखेगा नीचे, ये आइसोपिडाइन, राइट, दिस इज आइसोपिडाइन। एंड बाहर आपको डर्मिस मिल जाएगी, राइट, ये है आपकी बाहर डर्मिस। तो ये हुए आपके कॉस्मोइड स्केल। कॉस्मोइड स्केल में आप देखिए ये सब जीवित और आधुनिक मछलियों में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये कुछ ऑस्ट्रेकोडर्म मछलियां हो गई, प्लेकोडर्मस हो गया, ठीक है, सार्कोप्टेरजियंस हो गई, ऐसी जो विलुप्त होने वाली मछलियां ना, विलुप्त मछलियां, उनमें कॉस्मोइड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉस्मोइड स्केल्स में चार लेयर होती है, मैंने बताया आपको कि कॉस्मोइड लेयर, कॉस्मोइड स्केल की कौन कौन सी लेयर थी, उन सभी को सबसे भीतर की ओर पाई जाएगी वो आइसोपिडाइन लेयर होगी, यानी सबसे अंदर की ओर, बताया मैंने, सबसे अंदर की ओर की लेयर कौन सी है, आइसोपिडाइन, राइट, ओके, क्लियर हुआ। सबसे भीतर की आइसोपिडाइन और एक संघन अस्थि समान पदार्थ से ये बनी हुई रहती है। सेकंड होती है एक स्पॉन्जी लाइक, जिसे वेस्कुलर स्पेसेस जिसमें पाए जाएंगे, जिसमें पल्प कैविटीज भी पाई जाती है, एक स्पॉन्जी अस्थि के पदार्थ जैसी होती है जिसमें वेस्कुलर स्पेसेस और पल्प कैविटी वगैरह ये पाई जाती है। तो ये वाली जो सेकंड है वो सेकंड लेयर ये हो जाती है आपकी, ठीक है। थर्ड लेयर होती है वो एक कॉस्मिन से बनी हुई पाई जाती है। देखो जो कॉस्मिन होता है, एक कॉस्माइन नामक एक सब्सटेंस होता है, उससे बना हुई लेयर होती है कॉस्माइन लेयर, राइट। इसमें कुछ कैनालिकुलाइस भी पाई जाती है कॉस्माइन लेयर में। ये जो ये लेयर है आपकी, ये कॉस्माइन लेयर है, इसमें कुछ कैनालिकुलाई भी निकली हुई रहती है, राइट। फोर्थ है आपकी बाहर वाला, जिसे आप विट्रोडेंटाइन बोलते हैं, वो लेयर, फोर्थ लेयर है आपकी सबसे बाहर की लेयर, जिसे आप क्या बोलते हैं, विट्रोडेंटाइन। तो ये चार लेयर हो गई, इन चारों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। पहली है आपकी सबसे अंदर की ओर की है आइसोपिडाइन, आइसोपिडाइन के बाद आती है आपकी वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर के बाद आती है आपकी कॉस्माइन लेयर, और कॉस्माइन लेयर के बाद आती है आपको विट्रोडेंटाइन लेयर। तो ये कॉस्मोइड स्केल्स आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्लेकोइड स्केल्स के बारे में। जो आपके प्लेकोइड स्केल्स हैं, इस प्रकार के जो सल्क हैं केवल इलास्मोब्रैंक मछलियों में ही पाए जाते हैं।
प्रेजेंस ऑफ प्लेकोइड स्केल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलास्मोब्रैंक्स, जैसे शार्क हो गई, आपकी डॉग फिश हो गई, इनमें ये पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है कि जो ये ऊपर के स्पाइन होते हैं, इन्हें ट्रिपलेट स्पाइन कहते हैं, तीन ये ट्रिपलेट स्पाइन इसमें पाए जाते हैं। राइट, देखिए ये है आपके ट्रिपलेट स्पाइन, ये है मिडल, ये है लास्ट वाला। ओके, तो इसे लेटरल बोलते हैं आप, और इसे आप बोल सकते हैं मिडल स्पाइन। ओके, मिडल ट्रिपलेट स्पाइन। राइट, नीचे इसमें क्या होता है, बेसल प्लेट होती है, और ये कुछ प्लेट्स इसमें पाई जाती है। राइट, ये स्ट्रक्चर देखिए इसकी। ओके, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो एक ये जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ना, डर्मिस में दसी हुई रोम्बोहेड्रल, जो इसका बेसल प्लेट होता है ना, वो रोम्बोहेड्रल प्रकार का होता है, उससे ये मछलियों के बेस में धस जाते हैं। यानी देखिए इससे ये रोम्बोहेड्रल प्रकार का आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का, तो ये इसका बेस है, और इस बेस से ही ये मछलियों के डर्मिस में आधार में जुड़ा रहता है। ठीक है, इसकी जो आधार पट्टी का होती है, यानी जो बेसल प्लेट होती है, वो सीमेंट जैसा एक पदार्थ होता है, कैल्शियम युक्त डेंटाइन होता है, जिसे आप सूल डेंटाइन भी बोल सकते हैं, ऐसे मटेरियल से ये बनी हुई होती है। इनेमल की एक बनी कठोर बायोफ्रस से ये आवृत रहता है, और जो आपके प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, जिन्हें पट्टाप सल्क हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये कुछ खुरदरे खुरदरे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, तो ईच स्केल कंटेंस बेसल बॉडी होती है इसमें, और एम्बेडेड इन डर्मिस में से ये एम्बेडेड होते हैं, जो इनकी बेसल प्लेट होती है उससे। ठीक है, और ट्राइडेंट इनमें स्पाइन पाए जाते हैं। ओके, जो एपिडर्मिस से बाहर निकले हुए रहते हैं, द स्पाइन इज डायरेक्टली प्रोजेक्टेड। ठीक है, ऑन डर्मिस, तो ये पोस्टेरियली जो स्पाइन होते हैं वो पोस्टेरियली डायरेक्टेड होते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसमें जो स्पाइन होते हैं, स्पाइन्स इज डायरेक्टेड पोस्टेरियली। ओके, जो इसके स्पाइन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, स्पाइन होते हैं ना वो डेंटाइन से मिलके बने होते हैं, डेंटाइन विथ सेंट्रल पल्प कैविटी, जो सेंट्रल पल्प कैविटी है और डेंटाइन है उससे मिलके बने हुए होते हैं इसके स्पाइन्स। अब जो पल्प कैविटी है उसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स पाई जाती है इसमें, लिम्फ चैनल्स भी पाए जाते हैं, और जो डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स हैं, जिन्हें आप ओडेंटोब्लास्ट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। तो जो आप देखो कि डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स को आप क्या बोलते हैं, उन्हें ओडेंटोब्लास्ट बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपका गैनोइड स्केल। गैनोइड स्केल के बारे में अपन देखने वाले हैं, जो गैनोइड स्केल है वो एक लैक्यूनी और कैनालुकुलाई से कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, जो गैनोइड या इन्हें अपन रोम्बोइड स्केल्स भी बोलते हैं, ये सम चतुर्भुजाकार मोटी हस्तिल पट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो शीर्ष होते हैं ना वो नुकीले होते हैं। देखिए इनके जो शीर्ष होते हैं ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ये मछली की त्वचा पर एक तिरछे टाइल्स होते हैं ना, जैसे तिरछे टाइल्स हैं, ये स्ट्रक्चर आप देखिए तिरछे टाइल्स की जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ये उसमें धसे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के ढके हुए रहते हैं। ये जो आपको गैनोइड सल्क होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पेलियोनिस्कोइड सल्क और एक होता है लेपिडोस्टोइड सल्क। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी अपन देखेंगे। अब जो गैनोइड स्केल्स होते हैं इनमें क्या होती है, एक तो लैक्यूनी होती है और एक कैनाकुलाई होती है। अब देखो लैक्यूनी क्या होती है, ये जो बीच की सेंट्रल वाली इसमें जो स्ट्रक्चर दिखती है ये आपकी लैक्यूनी है, और ये जो है राइट ये नुकीले नुकीले ये कैनालुकुलाई है। राइट, तो गैनोइड स्केल्स कंपोज्ड ऑफ बोन विथ लैक्यूनी एंड कैनालुकुलाई ऑन द सरफेस ऑफ गैनोइड स्केल्स, ये हार्ड शाइनिंग सब्सटेंस इज प्रेजेंट कॉल्ड गैनोइन। तो ये जो गैनोइड स्केल्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है कि एक शाइनिंग वाला शाइन करने वाला सब्सटेंस होता है इनके ऊपर, ये देखो शाइनिंग करने वाला सब्सटेंस होता है, और वो जो सब्सटेंस होता है उसे आप क्या बोलते हैं, गैनाइन। राइट, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये है इसकी कॉन्सेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ, ये है इसके लेग्स।
ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स हैं, पॉलिप्टेरस हो गया, गौरपाइक हो गया, एमिया, मॉडिफाइड एमिया, ध्यान रखना मॉडिफाइड एमिया, और स्ट्रगलस की जो टेल होती है उसमें भी ये पाए जाते हैं। अब अपन गैनोइड सेल के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, तो जो गैनोइड सेल स्कल्स होते हैं, सल्क होते हैं, तो उनके कितने टाइप होते हैं, उनके दो टाइप अपन पढ़ेंगे, दो टाइप इनके होते हैं। एक होता है पेलियोनिस्कॉइड सल्क और दूसरे होते हैं लेपिडोस्टियोइड सल्क, पेलियोनिस्कॉइड सल्क और लेपिडोस्टियोइड सल्क। ओके, अब जो पेलियोनिस्कॉइड सल्क होते हैं इनका एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस, और जो आपके लेपिडोस्टेरियस जो स्टियोइड सल्क हैं उनका एग्जाम्पल है गौरपाइक, लेपिडोस्टियस, ठीक है, होलोस्टाइक, ठीक है। ये जो पेलियोनिस्कॉइड सल्क हैं, ये सल्क तीन स्तरों में बटा हुआ रहता है, जबकि जो लेपिडोस्टेरियस जो सल्क हैं वो दो ही स्तरों में बटे हुए रहते हैं, कितने में, दो में, और ये कितने में, तीन स्तरों में, थ्री लेयर्स में होते हैं। सबसे बाहर इनमें पाई जाती है, एक तो होती है गैनाइन, बाहर की गैनाइन होती है, और इनेमल सदृश सेकेंड हो गई, पल्प गुहाओं युक्त बीच वाला स्तर हो गया इसका, और लास्ट वाला है आइसोपिडीन से बना अस्थिल भीतरी स्तर हो गया। पहला तो गैनाइन और बीच वाला मध्य स्तर कौन सा हो गया, जो इसकी पल्प कैविटी वगैरह ये पाई जाती है बीच में, और लास्ट वाला आइसोपिडीन लेयर वाला हो गया। लेपिडोस्टॉइड जो स्टॉइड है उसमें दो ही लेयर्स पाई जाती है, एक तो होती है गैनाइन बाहर वाली और भीतरी होती है आइसोपिडीन, ठीक है। जबकि पेलियोनिस्कॉइड में क्या होता है कि बीच में इनेमल सदृश स्तर भी पाया के साथ, आप देखो इसमें क्या होती है, बीच में पल्प कैविटीज पाई जाती है, तो ये बीच वाला स्तर पल्प कैविटीज का इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। इनमें क्या होता है कि बीच में एक सेवन स्तर नहीं पाया जाता है लेपिडोस्टॉइड्स में, तो ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। अब अपन पढ़ते हैं टीनोइड स्केल्स के बारे में, राइट। फोर्थ टाइप है अपना स्केल्स का टीनोइड स्केल। जो टीनोइड स्केल्स हैं वो जनरली जो आपकी टीलियोस्ट होती हैं उनमें पाए जाते हैं टीनोइड स्केल्स, एग्जांपल है टीलियोस्ट। जो टीनोइड स्केल्स होते हैं आपके, वो आधुनिक अस्थिल मछलियों जैसे पर्च हो गई, आपकी सनफिश हो गई, इनमें पाए जाते हैं। ये त्वचा में अधिक दृढ़तापूर्ण जुड़े हुए रहते हैं, संलग्न रहते हैं, ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, ध्यान रखना ट्रांसल्यूशेंट होते हैं, कंटकीय होते हैं, जो डर्मिस की छोटी छोटी पुटिकाओं में व्यवस्थित रहते हैं, राइट। जो इनकी सतह सरपेश होती है उस पर संकेंद्रित रेखाएं साइक्लोइड सल्कों की भांति पाई जाती है, और इसकी जो शरीर होता है उस पर कुछ स्मॉल टीथ होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, टीनी जिन्हें आप बोलते हैं, तो वो होती है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए ये इसमें कुछ कांटे नुमा संरचनाएं निकली हुई है ऐसी, लाइक दिस, इन्हें आप बोलते हैं टीनी या स्मॉल टीथ, और इसमें कुछ ये देखो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, ये है, इनमें यहाँ पे ग्रूव्स भी पाई जाती है, ये है। तो इसका ये होता है डिस्टल एंड, एंड दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, राइट, ये इसके स्ट्रक्चर का प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है। ये कंघे जैसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर टीनोइड में, टीनी जिन्हें बोलते हैं, राइट। टीनोइड हैव कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन ऑन देयर फ्री बॉडी, ओके, क्लियर। दीज स्केल्स आर थिन ट्रांसल्यूसेंट प्लेट्स एंड कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस मटेरियल कवर्ड विथ ए लेयर विच इन सिमिलर टू ए बोन, राइट, विच इज सिमिलर टू ए बोन। तो जो स्केल्स होते हैं वो देखो आप थिन होंगे, ट्रांसल्यूसेंट होंगे और फाइब्रस लाइक मटेरियल से कवर्ड होते हैं। द एवरी स्केल इज एम्बेडेड इन द पॉकेट ऑफ डर्मिस, राइट, एंड दीज स्केल्स आर ओवरलैप्ड टू ईच अदर, राइट। द बेसल एंड इज स्कैप एयर फ्री एज हैज कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन। तो आपने पढ़ा टीनोइड स्केल्स में, ये टीलियोस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, एक डिस्टल एंड होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड पाया जाता है इनमें,
और यहाँ पे कुछ इसमें जो पाए दांसूल जैसे स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है और इसमें संकेंद्रित रेखाएं साइक्लोइड सलकों की भांति इसमें सरफेस पे पाई जाती है। ओके, तो ये हुआ आपका साइक्लोइड टीनोइड स्केल्स के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं साइक्लोइड स्केल्स के बारे में। जो साइक्लोइड स्केल्स है ये फिफ्थ टाइप ऑफ स्केल्स हैं। जो साइक्लोइड स्केल है उसकी स्ट्रक्चर आप देखिए, एक पतली लचीली और गोलाकार पट्टियों के रूप में स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर है इसकी, ये गोलाकार लगभग गोलाकार होती है। इनमें साइक्लोइड स्केल्स में लाइन ऑफ ग्रोथ पाई जाती है और ग्रूव्स भी पाई जाती है। लाइन ऑफ ग्रोथ्स इनमें पाई जाती है, राइट। दीज स्केल्स आर रफली सर्कुलर इन आउटलाइन। इट कंसिस्ट द ऑफ थिन बोनी लेयर ऑफ कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनमें क्या होता है कि थिन लेयर बोनी लेयर होती है कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की। ओके, दीज स्केल्स आर आल्सो लोकेटेड इन द डर्मिस इन इंडिविजुअल पॉकेट्स एंड हैव लाइंस ऑफ ग्रोथ। इनमें मैं बता चुका हूं कि जो आपके साइक्लोइड स्केल्स होते हैं इनमें लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, लाइंस ऑफ ग्रोथ इनमें पाई जाती है। सर्कुलर होते हैं ये स्ट्रक्चर में। और साइक्लोइड स्केल्स आर कॉमन इन कार्प्स, राइट। इन द सर्टेन फिशेस फाउंड बोथ विद टीनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। जैसे फ्लंडर्स हो गई, इनमें क्या होता है कि टीनोइड और साइक्लोइड दोनों प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। अब आप देखो कि जो स्केल्स हैं हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने, प्लेकोइड स्केल्स पढ़ा है, कॉस्मोइड स्केल्स पढ़ा है, साइक्लोइड स्केल्स, गैनोइड स्केल्स। गैनोइड स्केल्स के दो टाइप्स अपन ने पढ़े हैं, पेलियोनिस्कोइड स्केल्स और लेपिडोस्टियोर्स स्केल्स। ठीक है, और टीनोइड स्केल्स हमने पढ़ा है लास्ट में। अब अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केल्स, जो स्केल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में। तो एक तो प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्टिव नेचर होती है, प्रोटेक्ट करती है किसी चीज से। ठीक है, बाहरी जो जीव होते हैं उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करती है स्केल्स। तो प्रोटेक्टिव एंडोस्केलेटन ऑन द बॉडी, राइट। सेकेंड है, स्केल्स हैव कॉन्सेंट्रिक लाइंस इन द सम बोनी फिशेस दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन एज, एज डिटरमिनेशन में, राइट। द अरेंजमेंट नंबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्स हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, फिशेज स्पीसीज के क्लासिफिकेशन में, उनके नोमेनक्लेचर में, उनके आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत ही अच्छा रोल पैदा करती है। ठीक, अदा करती है पैदा। ओके, तो गाइस हमने पढ़ा है आज मछलियों के सलकों के बारे में, स्केल्स ऑफ फिशेस। जो फिशेस के स्केल्स थे वो पढ़ लिए हमने, इनके फंक्शंस भी पढ़े हैं। तो गाइस ऐसे ही वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए सीपी शर्मा क्लासेस। यहाँ पे बीएससी एमएससी नीट के सारा वीडियो कोर्स फ्री में उपलब्ध है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाने। थैंक यू।